काम आए हैं अरीबा में और अरीबा ने यहाँ से रेट भी लगा दिया है। अब कराची में गर्मी थोड़ी कम हो गई है, कल भी बारिश हुई थी। साथ में यहाँ पर बनेंगे आलू के पकोड़े, क्यों तो प्यारी टू फैमिली आप सब भी आ जाएं और चीज़ें आप भी ले लें जल्दी जल्दी जैसे ये लोग खा रहे हैं। रात के 10 बज रहे हैं और भूख लग रही है और अभी तक हमारा गैस का मीटर नहीं लगाया है। एक मेरे प्यारे सब्सक्राइबर भाई हैं, उनसे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा क्या था, मेरा भाई वहाँ पर स्विगी गैस में है, जैसे ही वो उनसे मेरी रابطہ होगा तो इंशाल्लाह आपका बहुत जल्द इमरान भाई गैस का मीटर लग जाएगा। तकरीबन और 20-22 दिन हो गए हमारे गैस का मीटर नहीं लगा और हम होटल से ही खाना खा रहे हैं, अब क्या करें, जो मंजूर हो। तो इस वक्त 10 बज रहे हैं, अब इरम साहिबा ने फरमाइश करी है तो चलते हैं, क्या उन्होंने फरमाइश करी है, वो क्या खाएंगी, तो जाते हैं फिर बाहर से लेके आते हैं। जैसे ही गाय के दिन करीब आ गए, मतलब गाय के कटने के यानी कुर्बानी के, तो बच्चों ने गायें ले ली। इरम क्या का प्रोग्राम है? भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। अरे हमने अपनी YouTube फैमिली को सलाम तो कर लें आप। अस्सलाम वालेकुम माय YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम माय मेरी प्यारी YouTube फैमिली, कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं और आज के व्लॉग शुरू कर रहे हैं हम रात को 10 बजे से। हाँ जी बिल्कुल। और इरम खाने में क्या? यही बता रही थी मैं कि खाने में तो कुछ भी नहीं है और भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। और मैंने अपने व्यूअर से बताया भी कि हमारा गैस का मीटर नहीं लगा हुआ है, इतना टाइम हो गया है और हमने अपने इमरान से कब से कह रही हूँ और अब बज गए 10, ठीक है, और मैंने कब से कह रही थी कि आप मुझे बाहर लेकर चलें, मुझे अपनी एक दो चीज़ें भी कह रही थी, हीरो से मुराद सारी केचर्स वगैरह टूट चुकी हैं, साथ में फिनर की जो बॉटल थी वो हाथ से छूट के टूट गई है, तो मुझे अपनी नेल पॉलिश भी उतारनी थी, रिमूव करनी थी और केचर वगैरह भी लेनी थी, मगर इमरान को टाइम ही नहीं मिलता, गाय आ गई है तो इमरान को बस गाय में मस्त भाई। तो क्या करें, गाय आ गई, अब जिम्मेदारी हो गई है, अब मैं ले आता था पहले 20-22 दिन पहले, लेकिन अब की दफ़ा मैं 10 दिन पहले ही लाया हूँ। अल्लाह गरम है, अब जारी बात सुबह होने देखी गरम है, मैं ये कह रही हूँ कि अल्लाह ने बड़ा करम करो, उन्हें हिदायत की है ज़्यादा दिन पहले से नहीं लेकर आए। लेकिन ये होता है कि मेरी यूट्यूब फैमिली के हम मेरा ये मकसद होता है कि जानवर लाएं, इंसान उसकी खिदमत करे फिर उसे काटे, ये नहीं कि हम बस एकदम लाएं और उसे काट दें अल्लाह की रजा में, लेकिन ये है कि हमें चाहिए कि क्या नाम है, हम उसकी खिदमत भी करें। हाँ जी बिल्कुल, तो चलें फिर चलते हैं, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, बहुत शरीर भूख लगती है। सेटिंग तो मैंने कर ली है, कुछ की है, ये देखें चेंज किया है सामान, यहाँ से सामान निकाल कर इस वाले खाने में रखा है, नीचे मैंने चादर वगैरह रखी थी, अब मैंने ये सामान रखा है, अभी इनको भी कंप्लीट सेट करना है, शॉपर वगैरह सब रिमूव करनी है, यहाँ से ये डब्बे वगैरह से भी सामान निकालूंगी ताकि सजा हुआ कुछ नज़र आए, तो बस ये सब सामान यहाँ पर रखा हुआ है, अभी सब इसी तरह ही है। शुक्र अल्लाह पाक का। स्टार्ट क्यों नहीं हो रही थी? सही। और आप अब अभी आप जो भी काम करना है वो कर लें, उसके बाद फिर फ्रेश हुए कपड़े वगैरह चेंज करें अपने। माशाल्लाह से हम देखने आए थे हीरम, कितना ज़बरदस्त बछड़ा है ना माशाल्लाह से, कितना बड़ा ब्लैक एंड वाइट है और वो कट्टा बना हुआ है और बहुत सारे बकरे हैं यहाँ पर, एक ब्राउन भी खड़ा हुआ है सामने से दिखाऊँ, और ये बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह यहाँ की कुर्बानी होती है। ये मूसा हाउस है नाज़ाबाद में, और ये मेरी वीडियो कल अपलोड होगी तो आप देख लीजिएगा, जो नाज़ाबाद में रहते हैं तो उस जगह आइएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे कुर्बानी है, और ये सब माशाल्लाह ये सबसे ज़बरदस्त वहरम को बहुत अच्छा लग रहा है। ये काम आए हैं अरीबा में और अरीबा ने यहाँ से रेट भी लगा दिया है अपने मटन का और गोश्त का नंबर दिया है इन्होंने यहाँ पर, और यहीं से भी हम लोग कढ़ाई वगैरह बनवाई है, घर चलते हैं आपको दिखाते हैं। ये तो मज़ेदार गर्मा गर्म कढ़ाई है, साथ में है तंदूरी नान और हम लोग खा रहे हैं, तो प्यारी टू फैमिली आप सब भी आ जाएं। रहे हैं चार, दिखाता हूँ बाहर के नज़ारे, और ये देखें कितनी तेज़ बारिश हो रही है, और ये बच्चे देखें कैसे खेल रहे हैं, ए बच्चो जल्दी आओ, बारिश इतनी तेज़ हो रही है, और मैंने सोचा था कि गाड़ी का मसला हुआ है तो शायद आयल का कुछ प्रॉब्लम था, मैंने कहा आयल डलवा लूँगा, लेकिन बारिश इतनी तेज़ हो रही है तो मैं क्या बताऊँ कैसे जाऊँ बारिश में आपको।
माशाल्लाह अब कराची में गर्मी थोड़ी कम हो गई है। कल भी बारिश हुई थी तो थोड़ा गर्मी कम थी, लेकिन हब बहुत ज़्यादा था परसों परसों से। इस वजह अल्लाह गर्म से बेहतर हो गई है, अल्लाह की गर्म से, और बारिश जारी रही तो थोड़ा जो है ना मौसम अच्छा हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ना बरसात जो है ना रहमत भी है, लेकिन कराची वालों के लिए अगर ज़्यादा हो जाए तो गहमत भी है। तो बस और आप कमेंट करके बताइएगा कि किस यहाँ बारिश हो रही है। हमारे यहाँ तो बहुत बारिश हो रही है। सही है इमरान, नाश्ता भी लेके आइएगा, पैटीज वगैरह। क्या हाल है? हैं क्या हुआ? हैं ये पड़ोसी की गाय हैं और ये लायन 67 की। बरसात हो और पकोड़े ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो सबसे पहले हमने बारीक बारीक प्याज काटी और प्याज को अच्छी तरीके से बेसन में मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर मसाला ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। अच्छा, नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इसके अंदर जाएगा ज़ीरा। ज़ीरे से बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है और बहुत ही अच्छा जायका भी आता है। तो कौन कौन इस रेसिपी की तरह बनाते हैं पकोड़े, कौन कौन इस तरह की रेसिपी से बनाते हैं पकोड़े, कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अब डलेंगी इसमें कुटी लाल मिर्च। कुटी लाल मिर्च भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप लोग तेज़ मिर्च खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा ऐड कर लें, कम खाना पसंद करते हैं तो कम ऐड कर दें। अब इसमें जाएगी पिसी लाल मिर्च, इससे टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। आप कुटी हुई मिर्चें ऐड करें तो पिसी हुई मिर्च भी लाजमी ऐड करेगा। अब लास्ट में इसके अंदर हम ऐड करेंगे साबुत धनिया। तो साबुत धनिया भी आप लोग अपने हिसाब से ऐड करें, इससे तो खुशबू ही दोबाला हो जाती है पकोड़ों की। चलें जी, अभी ना अच्छी तरीके से थोड़ा सा पानी डाल के करेंगे मिक्स और फिर आपको दिखाते हैं। हाफ टेबल स्पून से भी कम, 1 पिंच के बराबर हम इसमें ऐड करेंगे जर्दे का रंग, या फूड कलर भी कहते हैं इसे, लिक्विड में भी ऐड कर सकते हैं और ड्राई में भी। इससे बिल्कुल बाज़ार के पकौड़ों जैसा कलर आता है। साथ में यहाँ पर बनेंगे आलू के पकोड़े, क्योंकि आलू के पकोड़े इमरान को बहुत पसंद है, इसलिए इमरान के लिए आलू के पकोड़े बनेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इमरान लेकर आए हैं चीज़ें। चीज़ों में है पापड़, ये हैं कुरकुरे, ये फ्रायो, और भाई बल्ले बल्ले भी है साथ में, और क्या है, ओ चिप्टो, ये देखें, ये सब है, सब निकाल के दिखाएं ना ताकि हम YouTube फैमिली को दिखाएं। ये हमारी चीज़ें हैं और ये बुशरा पहले आ गई, इसे कुरकुरे अच्छे लगते हैं इसलिए। तो प्यारी YouTube फैमिली आप सब भी आ जाएं और चीज़ें आप भी ले लें जल्दी जल्दी, जैसे ये लोग खा रहे हैं जी। तो बारिश हो रही है, सब बहुत इंजॉय कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और कहाँ कहाँ बारिश हो रही है, किस किस इलाके में, और कौन कौन हमें किस इलाके से देख रहा है, तो प्लीज़ आज तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आप सब ने करनी है बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह पाक जल्दी से मेरे चैनल की आई की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। तो इंशाल्लाह ताला मैं अपने उस चैनल पर वीडियो अपलोड करूँगी और आप सबकी दुआएँ इंशाल्लाह ज़रूर रंग लाएँगी। पकोड़े बना लिए हैं, बस अब दस्तरखान बिछाएंगे और पूरी फैमिली के साथ बैठकर पकोड़े एंजॉय करेंगे, क्योंकि बारिश हो और पकोड़े ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो जिस जिसने खाने हैं वो भी आ सकता है। और कल है इंशाल्लाह ताला अकबरी हज, आप लोगों ने करनी है बहुत सारी दुआएँ, अपनी दुआओं में हमें भी याद रखना है, हम भी आप सबको ज़रूर याद रखेंगे अपनी प्यारी सी दुआओं में। और वहाँ के वो लम्हात, वो बातें ज़ाहिर इंसान ना भूलने वाली होती हैं, और ये भी एक ख्वाब सा ही लगता है और यकीन ही नहीं आता हम कब गए और कब वहाँ से वापस आ गए। हमारी बस यही दुआ होती है कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो बहुत जल्द फिर से खाने काबा और मदीने पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर फिर से जाएंगे। और अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को वहाँ की ज़ियारत, वहाँ की हाज़िरी बार बार नसीब करे, साथ में हमें और हमारे घर वालों को भी। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ चाहेंगे आपसे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।